बाबा जी की परम भक्त श्रीमती हरिप्रिया जोशी थीं। लोग उन्हें नन्नी दीदी के नाम से बुलाते थे। नन्नी दीदी को विश्वास था कि बाबा जी कहीं नहीं गए हैं। शरीर लीला तो एक बहकावा है उनका। अपने इसी विश्वास के कारण वो श्री माँ और आश्रम के अन्य लोगों की सेवा में लगी रहीं। उनके लिए एक बार बाबा ने स्वयं कहा था, यह तो सहस्त्रों वर्षों से मेरे साथ है तथा ये हनुमान जी की चौकीदार है। उन्होंने श्री माँ से कहा था, ये तुझे चाय पिलाएगी। तब किसी ने बाबा के इस बात को नहीं समझा। जब बाबा की महासमाधि के बाद कैची आश्रम एकदम वीरान हो गया, सभी लोग वृंदावन चले गए, तब नन्नी माई ही पूरे आश्रम और मंदिरों की चौकीदारी करती रहीं। जबकि बाबा की महासमाधि के बाद आश्रम का वातावरण अत्यंत भयावह हो गया। जो आश्रम पहले गुलजार रहता था वो अब सुनसान हो गया था। उस समय नन्नी माई ही सारे मंदिरों और कुटियों में ताला लगाकर चाबियां अपने पास रखती और हनुमान जी की चौकीदारी करती रहीं। दूसरे दिन श्री माँ और जीवंती माँ बाबा की अस्थि कलश लेकर आश्रम में आई तो बिल्कुल निढाल और अर्धचेतना में थीं। उनके भीतर की स्फूर्ति गायब थी। तब इन्हीं नन्नी माई ने श्री माँ और जीवंती माँ को चाय बनाकर भरवस पिलाई। यद्यपि पूर्व में भी चाय पिलाई थी पर बाद में भी पिलाती रहीं, लेकिन उस दिन की चाय की परिस्थिति कुछ और ही थी। बाबा का संकेत इसी परिस्थिति की ओर था। तब उन्होंने श्री माँ से कहा कि ये तुझे चाय पिलाएगी। ऐसे थे दयालु बाबा। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।